तो गाइस रियल क्रिकेट 24 गेम आ चुका है और इसके अंदर भी काफी सारे फीचर्स मिलता है, उसी के साथ साथ कुछ कुछ हिडन फीचर्स भी देखने को मिलता है। और हर बार ऐसे ही बड़े अपडेट में आपके साथ में हिडन फीचर्स शेयर करता हूँ। जैसे कि रियल क्रिकेट 22 जब आया था उसके अंदर भी मैंने काफी सारे हिडन फीचर्स आप सभी को दिखाया था, तो इस बार भी रियल क्रिकेट 24 जो आया है इसके अंदर भी काफी सारे इंपॉर्टेंट हिडन फीचर्स है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको ये सारे फीचर्स एटलीस्ट जानने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को अभी का भी लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बाद दबा कर रखना ऐसे ही धमाकेदार वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस इस रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर भी आपको काफी कमाल के फीचर्स मिलता है, उसी के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट हिडन फीचर्स भी मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखो। तो गाइस इस वीडियो में जो सबसे पहला हिडन फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर आप लोग नोटिस करोगे, जो आपको देखने को मिलता है वो है यार रियल क्रिकेट 24 के अंदर जब भी आप कोई मैच को प्ले करोगे उस टाइम जो प्री मैच कमेंट्री होता है, जैसे कि संजय मांजरेकर सर हाथ में माइक लेकर कमेंट्री करते हैं, तो वहां पर गाइस छोटा सा अपडेट हुआ है जो कि काफी सारे लोगों ने नोटिस किया, काफी सारे लोगों ने नोटिस भी नहीं किया है। तो यहाँ पर गाइस आपको संजय मांजरेकर सर जब प्री मैच कमेंट्री करते हैं ना वहां पर फेस का एनिमेशन डाल दिया गया है, आपको ऐसा लगेगा कि उसका जो मुंह है वो चल रहा है, उसी के साथ साथ उसका फेसेस का एनिमेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा जो पहले रियल क्रिकेट 22 में आपको देखने को नहीं मिलता था। तो फेस मूवमेंट उसके साथ साथ माउथ का मूवमेंट भी ऐड हो चुका है इस रियल क्रिकेट 24 में और आपको देखकर ऐसा फील भी आएगा कि एक्चुअली में संजय मांजरेकर सर बात कर रहा है। तो ये छोटा सा चेंजेस हुआ है जो काफी सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया है, इसलिए मैंने इसको हिडन फीचर। इस वीडियो का दूसरा जो हिडन फीचर्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं वो है यार रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर ना आपको बहुत सारा इन गेम फीचर्स एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि काफी सारे न्यू एनिमेशन ऐड हुआ है, जैसे कि पैड पर बॉल लग के स्टंप पे बॉल लगना, ऐसे ही काफी सारे जो न्यू एनिमेशन है जो आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे ही काफी सारे छोटे छोटे हिडन एनिमेशन है जो इस गेम के अंदर ऐड हुआ है गाइस, अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको ऐसे ही बहुत सारे न्यू एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारे हिडन एनिमेशन इस गेम के अंदर फाइनली आपको देखने को मिलता है, जब आप कोई गेम प्ले करोगे तो आपको ये बीच बीच में ये हिडन एनिमेशन देखने को मिलने वाला है जो कि काफी अच्छा भी लगता है देखकर। तो गाइस इस वीडियो का जो अगला हिडन फीचर्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि अगर आप कोई मैच प्ले कर रहे हो उस टाइम आपको प्लेयर का कोई फेस वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि जो प्लेयर का ओवरले आता है जहां पर प्लेयर के नेम के साथ प्लेयर का फेस भी देखने को मिलता है, वो अगर आपके फोन में नहीं आ रहा है तो इसका एक हिडन ऑप्शन है जो कि है गाइस ग्राफिक्स सेटिंग। जो ग्राफिक्स सेटिंग में जाके अगर आप लोग अल्ट्रा या फिर हाई में सेट कर दोगे तो आपका प्लेयर फेस के साथ प्लेयर का जो नेम है वो देखने को मिलेगा, जब भी कोई मैच स्टार्ट करोगे उस टाइम आपके टीम के अंदर जितने भी सारे प्लेयर है जो होगा जिसका नेम के साथ नेम कार्ड आता है उसके साथ फेसेस भी आने लगेगा। तो ये एक हिडन फीचर है गाइस, ये काफी सारे लोगों को पता नहीं चल रहा था और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि काफी सारे लोगों को ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास भी नहीं आ रहा है प्लेयर का फेसेस के साथ प्लेयर का नेम तो आप सेटिंग ऑप्शन में ग्राफिक सेटिंग ऑप्शन में जाके जो सेटिंग है उसको हाई या फिर अल्ट्रा में सेट कर दो, तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन न्यू आने लगेगा, बहुत सारे चेंजेस भी होगा। तो अल्ट्रा हाई सेटिंग में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइस हमारा अगला जो हिडन फीचर है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा खास एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आप में से बहुत सारे यूजर एंड बहुत सारे मेरे जो फैमिली मेंबर है वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई शॉट असिस्ट को हटाकर वहां पर प्रीसेट का ऑप्शन कैसे लाए, क्योंकि ये शॉट असिस्ट को यूज करके हम लोग बस शॉट की कौन से दिशा में मारेंगे ये कंपनी तो सजेस्ट कर ही देता है, यानी कि गेम सजेस्ट कर ही देता है, लेकिन उसको हटाकर हमें जो रियल क्रिकेट 22 में आपको प्रीसेट वाला ऑप्शन मिलता था वो कैसे लाए। तो गाइस इस ऑप्शन को यूज करने के लिए यानी कि जो प्रीसेट ऑप्शन है जो आपको पहले रियल क्रिकेट 22 में मिलता था उसको लाने के लिए आपको जो गेम है उसका ओपनिंग में आपको जो शॉट असिस्ट का ऑप्शन है उसको अनटिक करना पड़ेगा, जब उसको अनटिक कर दोगे तो आपका जो भी प्रीसेट वगैरह सेट है वो आने लगेगा, और अगर इसको ऑन करके रखोगे तो आपका शॉट असिस्ट ऑप्शन आएगा, इससे आपको शॉट मारने का जो एंगल वगैरह होगा वो गेम सजेस्ट करेगा। तो ये एक AI टूल है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो गेम के स्टार्टिंग से, जिससे आपका गेम प्ले का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर इसको ऑन करके रखोगे तो आपको सजेशन देगा कि कौन सा शॉट मारना चाहिए, अगर इसको ऑफ करके रखोगे तो आपको पिछले वर्सन जैसा प्रीसेट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और काफी सारे लोग इसको ऑन करके गेम प्ले करना चाहेंगे और काफी सारे लोग इसको ऑफ करके मैनुअली प्रीसेट यूज करना चाहेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये एक हिडन फीचर है, काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। तो गाइस हमारा अगला जो हिडन फीचर है वो है यार प्लेयर का हैंड बैंड। आप लोग गौर से नोटिस करोगे तो काफी सारे प्लेयर का हाथ में हैंड बैंड देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ जब भी कोई प्लेयर बैटिंग करने आता है उस टाइम काफी सारे प्लेयर बिना हेलमेट के आएगा, तो ये सारे ऑप्शन आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलता है
जो कि काफी सारे छोटे छोटे हिडन फीचर्स इस गेम के अंदर आपको इन गेम के तौर पे देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग गौर से जर्सी के ऊपर डिटेल्स करोगे, जर्सी के ऊपर फोकस करोगे, तो जर्सी को भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक क्रिएट किया है। तो जर्सी को अगर आपको अच्छे से डिटेल्स में देखना है तो इसके लिए आपको गेम सेटिंग से जाके गेम को हाई एंड अल्ट्रा पे प्ले करना होगा, तभी जो ये हिडन फीचर्स आया है जर्सी के अंदर वो सारी चीजें आप नोटिस कर पाओगे। नहीं तो नॉर्मल कोई सेटिंग में अगर गेम प्ले कर रहे हो जैसे कि बैलेंस स्मूथ में, तो आपको ये सारी चीजें नजर नहीं आने वाला है। तो ये सारी चीज आपको खेलने के लिए गेम को हाई ग्राफिक्स में सेट करना होगा एंड प्लेयर का हैंडमेंट वगैरह भी देखने को मिलने वाला है, जो कि देखकर काफी ज्यादा कूल एंड रियलिस्टिक लगता है गाइस। तो गाइस हमारा नेक्स्ट जो हिडन फीचर्स है ये है यार टेस्ट मैच को लेकर। टेस्ट मैच के अंदर जब भी कोई आप इनिंग्स को डिक्लेरेशन करना चाहते हो तो उस टाइम जो कटसीन्स वगैरह जो एनिमेशन वगैरह आ रहा है ना गाइस, ये काफी अच्छा है। और जो टेस्ट मैच का डिक्लेरेशन का प्रोसेस है उसको भी अच्छा कर दिया गया है, जो कि एक हिडन फीचर है गाइस। काफी सारे लोग इसको नोटिस नहीं किए थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में आप सभी को ये शेयर कर दिया है। तो अगर आप टेस्ट मैच में जाके कोई इनिंग्स प्ले करके उसको डिक्लेरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा एनिमेशन वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि एक गेम के अंदर होना चाहिए। और फाइनली फ्रीएल क्रिकेट ने इसके ऊपर भी काम किया है, जो कि टेस्ट मैच के टाइम आपको जब गेम प्ले करोगे तब नोटिस कर पाओगे आप लोग खुद भी। तो काफी सारे ऐसे ही एनिमेशन, काफी सारे ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस है इस गेम के अंदर जो आपको खुद ही नोटिस करना पड़ेगा। अगर मैं निकालने जाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा तो यार बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए एक वीडियो के अंदर इतना सारा हिडन फीचर्स तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफी सारे इंपॉर्टेंट हिडन फीचर्स है जो मैंने इस वीडियो के अंदर तो कवर कर दिया है। तो गाइस इतना देर तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस। और अगला हिडन फीचर्स तो नहीं है लेकिन एक फीचर्स है जो कि है धर्मशाला स्टेडियम, जो कि एक न्यू स्टेडियम के तौर पे इस गेम के अंदर आया है, जो इसका लुक वगैरह भी काफी अच्छा है, जिसका स्टेडियम का साइज वगैरह भी काफी अच्छे से कंपनी ने मेंटेन किया है। तो आप लोग भी यहाँ पर आके मैच वगैरह खेलो, आपको काफी अच्छा फील आने वाला है, क्योंकि इस बार स्टेडियम का लाइट कंट्रोल को अच्छे से किया है कंपनी, जिस वजह से मैच प्ले करके भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो जाओ मैच खेलो एंड ये सारे हिडन फीचर्स के बारे में मैंने जो बताया इसको भी जाके अप्लाई करके देखो। वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और भी धमाकेदार वीडियो आने वाले टाइम पे आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर दबा के रखो। मैं मिलूंगा आप सभी के साथ एक और शानदार धमाकेदार वीडियो में। अभी के लिए इतना ही गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।